हेलो एवरीवन, दिस इज रिलायबल क्लासेस एंड माय नेम इज राहुल तिवारी। आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है भारत की जलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा ये है, पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक, ये भारत की जलीय सीमा है। भारत की जलीय सीमा को दो प्रकार से डिस्कस किया गया है। फर्स्ट है मुख्य भूमि की सीमा, सेकेंड है द्वीपों की सीमा। तो भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई जो है वो है 7516 किलोमीटर, और भारत की मुख्य भूमि की सीमा जो है वो है 6100 किलोमीटर, और द्वीपों की जो सीमा है वो है 1416 किलोमीटर। आइए हम देखते हैं कि मुख्य भूमि और द्वीप है क्या। देखिए, भारत का जो ये पार्ट है, ये प्रायद्वीपीय भारत, जो गुजरात से लेके कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से लेके बांग्लादेश तक लगा हुआ है, ये भारत की मुख्य भूमि कहलाती है, क्योंकि ये भारत का एक पार्ट है, ये मुख्य भूमि कहलाती है। अब भारत के कुछ द्वीप हैं जो हिंद महासागर में दो क्षेत्र हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कुछ क्षेत्र हैं। वो क्षेत्र थोड़ा भारत से दूर हैं, इसलिए, लेकिन है भारत का पार्ट। तो इनको, इनकी जो सीमा है, इनको मिला के जो होती है वो होती है क्या, 7516.5 किलोमीटर, और मुख्य भूमि की जो सीमा होती है वो होती है 6100 किलोमीटर, और द्वीपों की जो सीमा होती है वो होती है 1416 किलोमीटर। तो क्वेश्चन तीन प्रकार से बन सकते हैं आपके, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन तीन प्रकार से बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं? सबसे पहले भारत की जलीय सीमा क्या है, तो भारत की जलीय सीमा मतलब संपूर्ण भारत, मतलब 7516 किलोमीटर। उसके बाद भारत की मुख्य भूमि की सीमा कितनी है, मुख्य भूमि मतलब प्रायद्वीपीय भारत, या आ सकता है भारत की प्रायद्वीपीय सीमा कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। फिर आ सकता है क्वेश्चन तीसरा, भारत की द्वीपों सहित सीमा कितनी है, तो ये देखिए द्वीपों अकेलों की कितनी है, द्वीप अकेलों की वो 1416 किलोमीटर। तो आप तीनों क्वेश्चन समझ गए होंगे, यदि जलीय सीमा की आ जाए तो 7516, मुख्य भूमि 6100, द्वीपों सहित तो ये 1416 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं भारत की जलीय सीमा से कितने देश लगते हैं। तो हमने जिस प्रकार बात की थी भारत की स्थलीय सीमा से 7 देश लगते हैं, उसी प्रकार भारत की जलीय सीमा से भी 7 देश ही लगेंगे। देखिए, ये है 7 देश लगेंगे भारत की जलीय सीमा से। देख लो आप कौन कौन से देश लगेंगे। सबसे पहले जलीय सीमा से लगेगा क्या, श्रीलंका। सेकेंड नंबर पे है पाकिस्तान। देखिए, श्रीलंका यहां लगेगा, मन्नार की खाड़ी रहेगा, तमिलनाडु से श्रीलंका लगेगा। आपको मालूम है रामेश्वरम भी यहीं पे, कन्याकुमारी पाक स्टेट भी यहीं पे, तो श्रीलंका यहां से लगेगा, एक हो गया। सेकेंड वन पाकिस्तान, पाकिस्तान कच्छ करण, कच्छ की खाड़ी यहां से लगेगा, ये गुजरात से, तो दूसरा पाकिस्तान। तीसरा है बांग्लादेश, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से लगता है जो कि, तो बांग्लादेश से लगेगा। चौथा देखिए म्यांमार, म्यांमार एक देश है जो भारत से जलीय सीमा लगाएगा। कैसे लगाएगा, उत्तरी, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका सबसे उत्तरी द्वीप है उत्तरी अंडमान, और उससे भी ऊपर एक द्वीप है लैंड लॉफ। कौन सा द्वीप, लैंड लॉफ, लैंड लॉफ एक द्वीप है, ये म्यांमार का भी एक वहां पे एक द्वीप है, उसका नाम है कोको, कोको यहाँ पे कोको है म्यांमार का, और लैंड लॉफ है किसका, इंडिया का। तो ये एक चैनल बनाते हैं, उसको बोलते हैं कोको जलमार्ग या कोको बॉर्डर गैप, तो म्यांमार से भी लगेगी सीमा। तो कौन कौन से हो गए, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। इसके बाद थाईलैंड से भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगेगा थाईलैंड से, और लास्ट छठवां है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का एक जावा चैनल है, उससे सुमात्रा चैनल है, सुमात्रा द्वीप है एक, सुमात्रा से हमारा जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार, निकोबार द्वीप समूह का अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार, इससे लगता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, छठवां। फिर सातवें नंबर पे जो देश है वो है क्या, मालदीव। मालदीव भी जलीय सीमा लगाएगा, क्योंकि लक्षद्वीप पार्ट है भारत का, और लक्षद्वीप के नीचे एक द्वीप है लक्षद्वीप का ही, इसमें 36 द्वीप हैं, इसका एक द्वीप है, उसका नाम है मिनिकाय। मिनिकाय मालदीव से सीमा लगाता है, मतलब कि भारत, तो आपको क्लियर हुआ कि मालदीव से क्यों सीमा लगी, क्योंकि मिनिकाय लगाता है। मिनिकाय किसका पार्ट, लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप किसका पार्ट है, भारत का। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि भारत की जलीय मार्ग से कितने देशों के साथ सीमा लगती है। तो भारत की जलीय मार्ग से जो सीमा लगती है वो लगती है 7 देशों के साथ। एक बार रिवीजन करिए, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मालदीव। अब क्वेश्चन होता तैयार,
कि भारत के कितने राज्य जलीय सीमा पे हैं, भारत के कितने राज्य जलीय सीमा पे हैं। तो देखिए भारत के जो जलीय राज्य हैं वो देख लीजिए आप, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे गुजरात है, गुजरात, फिर सेकंड महाराष्ट्र, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। देख लीजिए यहाँ पे ये अरब सागर, यहाँ पे ये हिंद महासागर है, उसका पार्ट अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरा बंगाल की खाड़ी में है और अरब सागर लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर का पार्ट है। तो भारत के जो ये पांच राज्य हैं ये किससे लगते हैं? अरब सागर से। और भारत के ये जो चार राज्य हैं ये किससे लगते हैं? बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। इनकी क्रम आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने क्रम से लिख दिया है, देश भारत से जलीय सीमा से देश सात हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। एंड भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो आंसर है 9 राज्य लगते हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 1 2 3 है, तो उसी टाइप से ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने नाम लिख दिए हैं। तो बस भारत की जलीय सीमा इतनी ही है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।